ये कहानी स्टार्ट होती है एक एफलिक नाम की लड़की को दिखाते हुए जिसे अभी हॉस्पिटल में होश आया है। वो यहाँ कैसे पहुँची थी? उसे याद आया कि अभी कुछ देर पहले उसका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था। इस हादसे में दो गाड़ियाँ आपस में टकराई थी और दूसरी फैमिली का काफी नुकसान हो चुका था। एफलिक इस सब का जिम्मेदार अपने आप को समझ रही थी। ऐसे ऑपरेशन के दरमियान में ही उसे पैनिक अटैक आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ उसके हस्बैंड आकर उसे रिलैक्स करते हैं और कहते हैं जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। सीन के ठोकर एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एफलिक अपने हस्बैंड के साथ कैलिफोर्निया शिफ्ट हो चुकी है, जहाँ उसके हस्बैंड अब वाइन का बिजनेस करने वाले थे। इस नए घर में शिफ्ट होने की खुशी में ये लोग पार्टी भी रखते हैं, जहाँ एफलिक की मुलाकात एक और लेडी से होती है। इस लेडी का भी कैलिफोर्निया में वाइन का बिजनेस था। वो यहाँ एफलिक के होने वाले बच्चे के लिए उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और बहुत सी दुआएं भी देती हैं। ये सब तो ठीक था, लेकिन अजीब बात ये थी कि एफलिक प्रेग्नेंट थी, उसने ये बात किसी को नहीं बताई थी। तो फिर ये औरत ये बात कैसे जानती थी? अब वो ओल्ड लेडी वॉशरूम यूज करने के लिए एफलिक के घर के अंदर चली जाती है। काफी देर वापस ना आने पर जब एफलिक उसे चेक करने जाती है तो वो देखती है कि ओल्ड लेडी एफलिक के रूम में ऐसी अपनी खड़ी है जैसे किसी ने उसे पोसेस किया हो। उसका चेहरा ऐसा था कि जैसे उसने कोई खौफनाक चीज देख ली थी और डरी सहमी खड़ी थी। एफलिक जैसे ही ओल्ड लेडी को हाथ लगाती है तो वो होश में आकर एफलिक को ही डांटना शुरू कर देती है कि तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया, जिसके बाद वो ओल्ड लेडी एफलिक के घर से चली जाती है। पार्टी भी खत्म हो चुकी थी। एफलिक अपने हस्बैंड के साथ सो जाती है और रात में वो ख्वाब में दिखती है कि वो पूरी तरह खून से लथपथ है। उसके बेड का मेटल भी उसकी आंख में लग जाता है और वो डर कर उठ जाती है। ये सब बस उसका बुरा ख्वाब था। वो बहुत ही मुश्किल से अपने आप को रिलैक्स करती है और सुबह डॉक्टर के पास जाने पर वो अपनी इस कंडीशन के बारे में भी डॉक्टर को बताती है और डॉक्टर उसे योगा क्लासेस ज्वाइन करने का कहते हैं, जहाँ पर वो मिलती है सैडी नामी एक लड़की से। वो भी एवली की तरह 3 months प्रेगनेंट थी। इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है और अब एवली जब घर आती है तो उसे अपने घर के पूल के अंदर किसी हुडी पहने हुए इंसान का शैडो नजर आता है। वो सर ऊपर करके सामने देखती है लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पानी में भी शेडो गायब हो चुका था और अब एफलिक को पानी के अंदर एक लाश दिखाई दे रही थी। वो डर कर अब घर के अंदर आ जाती है। शाम हो चुकी थी। वो अभी भी सुबह वाली सारी बातों को लेकर परेशान थी। वो अभी इन बातों के बारे में सोच ही रही थी कि उसे घर के बाहर किसी के चीखने की आवाज आती है। बाहर चेक करने पर उसे वही हुडी वाला इंसान नजर आता है जिसका शेडो उसने सुबह पानी में देखा था। वो डर कर जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर डेविड उसके पास आता है। वो डेविड से कहते हैं जाओ बाहर चेक करो, देखो वो बाहर हमें मारने आया है। लेकिन बाहर तो कुछ भी नहीं था। असल में उसने जो कुछ भी देखा और सुना वो सब एवलिक के इल्यूजंस थे। एक्सीडेंट के बाद से ही एवलिक मेंटल स्ट्रेस का शिकार थी, क्योंकि उसे लगता था कि ये एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ है और इसीलिए उसे तरह तरह के इल्यूजंस आया करते थे। डॉक्टर ने ऐसी कंडीशन के लिए एवलिक को कुछ मेडिसिन दी थी जिनका वो प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही थी। नेक्स्ट डे अब वो दोबारा अपनी नई दोस्त सैडी से मिलती है और उसे अपने हेलुसिनेशंस के बारे में भी बताती है। वो उसे बताती है कि ये उसके साथ तब से हो रहा है जब उसका कार एक्सीडेंट हुआ था। सैडी से कहती है मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, ये हेलुसिनेशंस मुझे पागल कर देंगे, मुझे मेडिसिंस लेनी चाहिए। लेकिन सैडी उसे डरा देती है नहीं तुम वो मेडिसिंस ना लेना, वो मेडिसिंस तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगी। एवलिक जब घर वापस आती है तो अचानक से टेबल पे पड़े हुए कुछ सिक्के खड़े हो जाते हैं। पीछे से कोई जोर जोर से दरवाजा भी नॉक करना शुरू कर देता है। इन सब चीजों से वो बहुत ज्यादा डर कर डेविड को कॉल करती है, लेकिन डेविड तो अपना फोन घर पर ही भूल गया था। इसी वक्त उसे जमीन पर एक रिवॉल्वर रखी नजर आती है। इसे देखकर वो घबरा गई थी। इससे पहले कि वो जमीन पर झुककर रिवॉल्वर उठाती अचानक कोई गोलियां चलाते हुए एवलिक के पीछे की वाइन बॉटल्स तोड़ देता है। एवलिक घबरा के बहुत जोर जोर से चीखें मारती है। इतने में ही डेविड भी खड़ा चुका था। वो एवलिक को रिलैक्स कहता है और दिखाता है कि ऐसा यहाँ कुछ नहीं हुआ जो उसने देखा। अभी भी उसे हेलुसिनेशंस आ रहे थे। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये सब इसलिए हो रहा है कि उसने अपनी मेडिसिन टाइम पे नहीं ली। अगर वो अपनी मेडिसिन टाइम पे लेती तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। एवलिक सवाल करती है पर डॉक्टर इससे मेरे बच्चे को नुकसान हो सकता है। जवाब में डॉक्टर कहते हैं एवलिक तुम टेंशन फ्री होकर मेडिसिन खाओ, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब रात में उसने अपनी नई दोस्त सैडी और उसके हस्बैंड को डिनर पे इनवाइट किया था। डिनर के बाद डेविड सैडी के हस्बैंड को लेकर बाहर चला जाता है और एवलिक बातों ही बातों में सैडी को बताती है कल मुझे बहुत ही खतरनाक हेलुसिनेशंस आए और इसीलिए मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने मुझे दोबारा मेडिसिन यूज करने को कहा है और ये भी कहा है कि मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स नहीं है। जवाब में सैडी कहती है गलत कहा है डॉक्टर ने, तो मेडिसिन बिल्कुल ना लेना, वो तुम्हारे बच्चे के लिए खतरनाक हो सकती है। और जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे साथ कोई मेंटल इशू है। एवलिक कहती है तो फिर ये हेलुसिनेशंस क्यों आती है, मैं इनसे बहुत परेशान हूँ, अगर मेडिसिन छोड़ दूँ
तो ये ज्यादा होने लग जाती है। हैदी कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हारा घर हॉन्टेड है, यानी भूतिया है, और शायद इसीलिए तुम्हें ऐसे अजीबोगरीब डिलूजन्स आते हैं। अब अगले दिन दोबारा अवली को अपने घर के बाहर किसी के चीखने की आवाज आती है। वो जब चेक करने गई तो वहाँ कोई नहीं था। उसे दोबारा एक आवाज आई कि जैसे उस चीखने वाली लड़की को किसी ने शूट करके मार दिया है। इस मर्तबा वो अपने हेलुसिनेशन से घबराती नहीं बल्कि डर जाती है, क्योंकि उसे सैडी की वो बात याद आ रही थी कि उसका घर हॉन्टेड है। पर अब वो इस घर की सच्चाई जानने के लिए सैडी के साथ उस एजेंट के पास जाती है जिसके थ्रू उसने ये घर खरीदा था। वो एजेंट से कहती है कि हमें लगता है कि ये घर हॉन्टेड है। एजेंट कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई भी हादसा नहीं हुआ जिसकी वजह से ये घर हॉन्टेड हो। लेकिन एवली यहाँ पर बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए एजेंट एवली को इस घर के पुराने मालिक से मिलने का मशवरा देता है, जिसके बाद वो घर आ जाती है। वो अब इस घर की पुरानी मालिक के बारे में रिसर्च कर रही थी। जब डेविड उसके पास आता है, वो डेविड को आज में होने वाली सभी चीजों के बारे में बताती है कि कैसे आज दोबारा उसे आवाजें सुनाई थी। वो डेविड से कहती है कि मुझे लगता है कि ये सब प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है। और डेविड जवाब में कहता है, एवली प्रेगनेंसी की वजह से नहीं हो रहा, ये इसलिए हो रहा है कि तुम अपनी मेडिसिन टाइम पे नहीं ले रही। दोनों जब करीब आते हैं तो इस वक्त पर दोबारा एवली को हुडी पहना इंसान नजर आता है। वो इससे डर जाती है और डेविड को अपने से दूर करते हुए बाहर आ जाते हैं। वो अभी यहाँ कुछ सोच रही थी कि अचानक वो पीछे मुड़कर दिखती है तो एक डमी उसे मारने के लिए आ रहा था। वो उससे बचने के लिए पीछे की तरफ मुड़ती है और ग्लास की बनी विंडो से टकराकर घर से बाहर गिर जाती है। इन आवाजों को सुनकर डेविड उसके पास आता है और उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है। डेविड बताती है कि वो सामने डमी मुझे मारने आ रही थी, लेकिन अब तो डमी अपनी जगह पर ही थी, यानी ये भी उसके हेलुसिनेशंस थे। अब डेविड उसे कहता है कि तुम्हें अपनी मेडिसिन लेनी चाहिए। अब तो उसे भी गड़बड़ी ज्यादा महसूस हो रही थी, इसीलिए वो सुबह उठते ही मेडिसिन ले लेती है। और मेडिसिन लेने की वजह से कुछ ही दिन में वो काफी अच्छा महसूस कर रही थी। एक दिन कॉफी शॉप में वो दोबारा सैडी से मिलती है। ये दोनों बातें कर रही थी कि एवली की नजर बाहर जाती है जहाँ उसके हस्बैंड किसी लड़की के साथ थे। उसे लग रहा था कि डेविड उसे धोखा दे रहा है। वो फौरन घर आती है और घर में डेविड के सामान को चेक करने पे उसे एक काले जादू से रिलेटेड फाइल मिलती है। उस देर बाद उसके घर पे कुछ लेटर्स आते हैं। इस लेटर में बहुत से ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बुक्स के नाम और ब्लैक मैजिक के तरीकों के नाम लिखे थे। एवली को अब डेविड पे ही शक होने लगा था कि शायद जो सब कुछ हो रहा है वो डेविड की वजह से हो रहा है। डेविड ऐसा तो कुछ कर रहा है जो उससे छुपा रहा है। एवली को अब और भी ज्यादा डर लगने लगा था। इस घर के ओनर को कॉल करती है उनसे इस घर के बारे में पूछने के लिए, और घर के ओनर उसे हेलिना नामी उस और लेडी से मदद लेने को कहते हैं जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था। अभी वो यही बातें कर रही थी कि उसे विंडो के पीछे कोई चीज दिखाई देती है। वो आगे बैठती है तो कोई अजीब सिपा हुआ खिड़की तोड़ते हुए उसे भी धक्का देकर गिरा चुकी थी। एवली को ये कंफर्म हो चुका था कि ये घर हॉन्टेड है, इसीलिए वो हेलिना को अपने घर बुलाती है। हेलिना अब उसके घर आ चुकी थी। वो उसका घर चेक करती है। घर चेक करते कहते ये लोग जब पूल के पास जाते हैं तो पूल में भी लाश इन दोनों को दिखाई देती है। घर के अंदर आने पर हेलिना उससे कहते हैं कि इस घर में जरूर कोई इवल पावर है, यानी कोई शैतानी ताकत है। एवली को भी बातें उसकी कहीं ना कहीं ठीक लग रही थी। वो जब किचन में हेलिना के लिए फाइल लेना चाहती है तो अचानक उसे किसी के चीखने की आवाज आती है। वो किचन से बाहर निकलती है और दीवार पे उसे खून से लथपथ हाथ के निशान दिखाई देते हैं। वो आके बैठती है तो अचानक कोई अजीब सी ताकत एक चेयर उसके सामने कह देती है, और वो सामने देखती है तो हेलिना बुरी हालत में जमीन पे पड़ी थी। उसे हार्ट अटैक आ रहा था और वो मर जाती है। मरने से पहले उसने एवली से एक बहुत ही अजीब बात कही। उसने कहा कि यहाँ वो कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो, ये सब तुम ही हो। एवली सोच में पड़ गई थी कि उसके कहने का मतलब क्या था, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब वो डेविड से उन ब्लैक मैजिक की बुक्स के बारे में सवाल कर रही है। इन किताबों के बारे में डेविड कहता है कि ये किताबें मुझे मेरे कलीग ने दी थी ताकि मैं इस घर से इवल पावर को दूर कर सकूं। डेविड को अगर यहाँ किसी इवल पावर के बारे में पता था तो उसने पहले एवली को क्यों नहीं बताया। एवली को अब उसकी किसी बात पे यकीन नहीं था। वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। वो अब इस घर के ओनर से मिलने के लिए जाती है। वो उससे इस घर और वाइन यार्ड की सच्चाई जानना चाहती थी, जिस पर ये आदमी बताता है कि उस घर में कुछ इवल पावर्स का कब्जा था जिन्होंने मेरी ग्रैंड माँ को प्रोसेस कर लिया था। इन इवल पावर्स से बचने के लिए ग्रैंड माँ ने अपने साथ साथ उस घर को भी आग लगा दी, यानी उन्होंने खुदकुशी कर ली। ये आदमी उसे अपने ग्रैंड माँ के बने हुए कुछ स्केचेस भी दिखा रहा है, और इनमें से एक स्केच डेविड का भी था जिसमें वो मरा हुआ था। वो इन चीजों को देखकर बहुत ज्यादा डर चुकी थी। वो भागते हुए घर आती है। उसने फैसला कर लिया था कि वो अभी और इसी वक्त इस घर को छोड़ देंगे, लेकिन घर आने पर वो देखती है कि उसके घर बहुत से गेस्ट आए हुए थे। उसमें एक डॉक्टर और एक साइकियाट्रिस्ट थी जिन्हें डेविड ने एवली के लिए बुलाया था। अचानक उसे वैसी स्थिति की आवाज आती है जो उसे हमेशा से आ गई थी। वो किचन में जाकर चेक करती है
तो वहाँ उसकी फ्रेंड कॉफी बना रही थी। वो घबरा कर जब बाहर आती है तो देखती है कि साइकेट्रिस्ट टेबल पे पड़े सिक्को को बिल्कुल वैसे ही खड़ा कर रही है जैसे उसे वियर्स में आ करते थे। अब उसे समझ आने लगा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। जैसा उसे हेलिना ने कहा था कि ये सब जो हो रहा है उसमें वो खुद है, तो इसका मतलब था कि एवरेट को पहले अपने लिए वियर्स आते थे। आगे जो भी उसके साथ होने वाला था वो उसे पहले ही दिखाई देने लगा था। अचानक दरवाजे पे नॉक होती है, दरवाजा खुलता है और एवरेट देखती है कि सामने वही हुडी वाला इंसान है जो बार बार उसे डराया करता था, और ये कोई और नहीं बल्कि उसकी दोस्त सैरी ही थी। सैरी अपने हस्बैंड के साथ घर के अंदर आती है, उसके हाथ में वही रिवॉल्वर थी जिसे एवरेट ने अपने वियर में जमीन पे पड़ा देखा था। साइकेट्रिस्ट उनसे रहकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो पीछे से सैरी का हस्बैंड उसे शूट करता है। गोलियां साइकेट्रिस्ट को लगने के बजाय वाइन बॉटल्स पे लगती है और वाइन बॉटल्स टूट जाती है, और फिर एक गोली साइकेट्रिस्ट को भी लग जाती है और वो अपना खून से लथपथा दीवार पे लगाती है। ये भी वही सीन था जो एवरेट देख चुकी थी। इसके बाद इन लोगों में हाथापाई शुरू हो जाती है। डेविड वन से गन लेने की कोशिश कर रहा था और इस सब में यहाँ डॉक्टर को गोली लग जाती है। एवरेट की दोस्त यहाँ से जब भागने की कोशिश करती है उसके पीछे सैरी का हस्बैंड चला जाता है। यहाँ सैरी खुद एवरेट के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ी थी। उसे मुश्किल में देखकर डेविड उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन सैरी डेविड के पेट में अपना चाकू स्टैब करते हुए उसे मार देती है। इससे पहले कि वो एवरेट को मारती, एवरेट उससे बचने के लिए उसे स्टैचू को उठाती है। उसे अपनी प्रोटेक्शन में लाते बनाते वो पीछे पीछे की तरफ जा रही थी और अचानक वो विंडो तोड़कर बाहर गिर जाती है। एक एक चीज जो इस टाइम पर हो रही थी एवरेट ने वो पहले ही अपने वियर्स में देखी हुई थी। यहाँ तक कि ये सीन भी बाहर सैरी का हस्बैंड एवरेट की फ्रेंड को शूट करके मार देता है। एवरेट समझ जाती है कि जो गोली की आवाज और चीखने की आवाज वो सुनती थी वो उसके दोस्त की ही थी। एवरेट अपने आप को बचाने के लिए घर से बाहर भागती है और यहाँ पर उसे डेविड का दोस्त मिल जाता है जो उसकी मदद करना चाह रहा था। इससे पहले कि वो उसे कुछ सिचुएशन समझा पाती, पीछे से सैरी का हस्बैंड उसे गोली मार कर तालाब में फेंक देता है। जो लाश उसे हमेशा तालाब में दिखती थी वो डेविड के इस दोस्त की थी। उसके बाद सैरी का हस्बैंड एवरेट के मुंह पे टेप लगाकर उसे घसीटते हुए घर के अंदर लेकर आती है। एवरेट अपने आप को बचाने के लिए चेयर्स को इधर उधर घसीटती है और ये चीज भी हम पहले देख चुके हैं। ये दोनों एवरेट को ले जाकर उसके बेड के साथ बांध देते हैं। सैरी ऐसा सब क्यों कर रही थी? पता चलता है कि मूवी के स्टार्ट में एवरेट का जिस कार से एक्सीडेंट हुआ था वो सैरी की कार थी। उस वक्त सैरी प्रेग्नेंट थी और एवरेट की वजह से उसका बच्चा मर गया था, पर अब वो एवरेट के बच्चे को मारकर अपना बदलाव पूरा करना चाहती थी। वो एक चाकू उठाकर एवरेट के पेट पे कट लगाना शुरू कर देती है। जगह जगह खून फैल जाता है। ये वो सीन था जिसका एलियन सबसे पहले इस घर में आने पे एवरेट ने देखा था। एवरेट अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने हाथों को जोर जोर से हिलाने लगती है। उसके हाथ बैग के मेटल के साथ बांधे गए थे। ऐसा करने पे बैग का मेटल टूट जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए एवरेट इसी मेटल से सैरी के ऊपर हमला कर देती है और एक सेकंड में सैरी की यहाँ मौत हो जाती है। ये देखकर उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अब एवरेट का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। और इससे पहले कि वो एवरेट को मार देता, पीछे से जख्मी डेविड आकर उसे उनकी गन से शूट कर देता है। इतना सब बुरा होने के बाद आखिर डेविड को ये बात समझ आई गई थी कि उसकी वाइफ को कोई मेंटल इश्यूज नहीं थे। यहाँ पर सच में कोई ऐसी ताकत थी जो उन्हें आने वाले वक्त में होने वाली बुरी चीजों के वियंस दिखाती थी। इसीलिए वो एवरेट की बात मानते हुए ये घर छोड़कर चले जाते हैं। और मूवी के लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि एजेंट ये घर एक नए कपल को दिखा रहा है। उनके इस घर में आते ही टेबल पे पड़े हुए सिक्के खड़े हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि जो पैरानॉर्मल चीजें एवरेट के साथ हुई वो इस कपल के साथ भी होने वाली थी। और यही बताते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।